नीमच मंदसौर क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सुधीर गुप्ता अफीम तोल केंद्र मंदसौर पहुंचे और किसानों से चर्चा की। सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि अफीम तोल केंद्र पर मैं हर वर्ष आता हूं क्योंकि मुझे यह ध्यान में है कि किसान भाई बड़े परिश्रम से अफीम उत्पादन करते हैं और मेरे संसदीय क्षेत्र और आसपास के राजस्थान क्षेत्र के इलाके में देश दुनिया में बेहतरीन पद्धति से किसान अफीम निकालते हैं। ओरिया बिना परिश्रम के संभव नहीं है। खेतों से निकलकर जब उत्पादन अफीम तोल केंद्र पर आता है तो यहाँ पर किसानों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये जवाबदारी हमारी भी होती है। पॉलिसी में लगातार जब मैं 2014 से सांसद बना हूं तब से लगातार सुधार करने की प्रक्रिया हम करते आ रहे हैं और उसका परिणाम है कि 90,000 किसान भाई अपने खेतों में अफीम उत्पादन कर पा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि आने वाले वर्षों में भी इसमें कमी की बजाय बढ़ोतरी की जाएगी। किसान भाइयों को जो दिक्कत होती थी तोल केंद्रों पर, तोल होने के बाद कई महीनों तक रिजल्ट नहीं आते थे, इस बार पहली बार किसान भाइयों को तोल केंद्र के बाद 10 से 12 दिन में रिजल्ट मिल जाएंगे और फैक्ट्री से भी जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। जो भी मानक प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी कर रिजल्ट जल्द आ जाएंगे। इससे एक फायदा होगा, आने वाली पॉलिसी में हम इस बात की लड़ाई लड़ पाएंगे कि जो किसान भाई अफीम उत्पादक करते समय ओलावृष्टि से पीड़ित हुए, जिनके खेतों में पानी का भराव हो गया था, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी रिपोर्ट लेंगे और किसान भाइयों से भी रिपोर्ट लेंगे। दोनों का तालमेल करके भारत सरकार की नीति बनाने में हम उस बात को बताएंगे कि किसानों का बहुत लॉस हुआ है, उसके मद्देनज़र किसानों के लाइसेंस डी लाइसेंस ना हो। और इस बात से प्रसन्न है कि भारत सरकार हमारी बातों को नज़रअंदाज ना करते हुए प्रथम दृष्टि से सुनती है और किसान भाई भी हमें श्रम से अफीम की खेती को लीगल तरीके से उत्पादित करते हैं। हमारी कोशिश है कि किसानों को उचित मूल्य मिले। पोस्ते दाने की लड़ाई भी हमने लड़ी और आज पोस्ता दाने के भाव में एक संतुष्टि पूर्वक इजाफा है। अफीम तोल केंद्र पर किसानों की व्यवस्था का प्रश्न उठा था। पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर अधिकारियों ने किसानों के रुकने के लिए यहाँ पर धर्मशाला बुक करवाई थी, लेकिन प्रशासन ने अंतिम दिनों में धर्मशाला निरस्त कर दी। हमें ठीक नहीं लगा प्रशासन का व्यवहार, क्या पहले से नहीं बोल पाए भारत सरकार के अधिकारियों को अपनी जो धर्मशालाएं उपलब्ध कराई थी आपने अचानक समाप्त कर दी। अफीम तोल चल रहा है और कल गम ओपियम का जो है अफीम तोल समाप्त हो जाएगा, कल लास्ट दिन है इसका। सांसद जी भी आए थे सर, अभी चर्चा। हाँ, सांसद महोदय आए थे। क्या देखा गया जी? क्या देखा गया सांसद जी? बस आके सांसद जनप्रतिनिधि निरीक्षण करने आए थे, करके चले गए। कुछ परेशानियां भी, समस्या बताइए किसानों को। वो थोड़ी बहुत पानी उनी का समस्या था जो मैं दूर कर दिया गया है। मैं अपने स्टाफ को बोल दिया है कि पानी उनी व्यवस्था ठीक करो। सर, किसानों के लिए कुछ राशि कर दी थी, उसके बाद आदेश आया क्या है? वो द्वितीय खंड का मामला है, मेरा नहीं। देखने क्या देखा नहीं, अफीम तोल पर मैं लगातार हर वर्ष आता ही हूँ क्योंकि मुझे ध्यान में है कि किसान भाई बड़े परिश्रम से अफीम उत्पादन करते हैं और मेरे अपने संसदीय क्षेत्र और आसपास के राजस्थान के इलाकों में देश और दुनिया का सबसे बेहतरीन पद्धति से किसान अफीम निकालते हैं और ये बिना परिश्रम के संभव नहीं है। खेतों से निकलकर जब उत्पादन अफीम तोल केंद्र पर आता है तो इन्हें यहाँ कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये जवाबदारी भी हमारी भी होती है और इसलिए हम समय समय पर इस पर ध्यान देते हैं। पॉलिसी में लगातार 2014 से जब मैं सांसद बना तब से सुधार करने की लगातार प्रक्रिया हम करते रहे और उसका परिणाम है कि आज 90,000 के आसपास किसान लोग अपने खेतों में अफीम उत्पादन कर पा रहे हैं। हमारा यह भी प्रयास रहने वाला है कि आने वाले वर्षों में भी हम इसमें कमी होने के बजाय बढ़ोतरा कराने की जो लड़ाई हम जीत पा रहे हैं उसको इन सालों में भी हम जारी रखने का मन बनाएंगे। किसान भाइयों को जो दिक्कत आती थी कि तोल केंद्रों पर तोल होने के बाद महीनों तक रिजल्ट नहीं आते थे, इस बार पहली बार ये सफलतम प्रयोग हुआ है कि किसान भाइयों को 4-6-10-12 दिन के अंदर अंदर और फैक्ट्री से भी रिजल्ट आ जाएंगे। उनका वहाँ उत्पादन को चेक डाउन कर लिया जाएगा और इनके उत्पादित किसानों के जो अफीम हैं उसके मानक बता दिए जाएंगे। इससे हमें एक फ़ायदा होना है कि आने वाली पॉलिसी में हम इस बात की लड़ाई लड़ पाएंगे कि जो किसान भाई अफीम उत्पादन करते वक्त ओलावृष्टि से पीड़ित थे, जिनके खेतों में पानी का भराव हो गया था, हम स्टेट गवर्नमेंट से भी उनका रिपोर्ट लेंगे और किसान भाइयों से भी रिपोर्ट लेंगे। दोनों का तालमेल करते हुए भारत सरकार की नीति बनाने की प्रक्रिया में हम उस बात को बताने वाले हैं कि किसानों का इसमें बड़ा लॉस हुआ है तो उसके मद्देनज़र इनके लाइसेंस डी लाइसेंस न हो, उस प्रक्रिया को हम कोशिश करते हैं और इसीलिए हम इस बात से प्रसन्न हैं कि भारत सरकार हमारी बातों को और नज़रअंदाज न करते हुए प्रथम दृष्टिया में सुनती है और लगातार अफीम के किसानों का और व्याप बढ़ रहा है।
और किसान भाई भी बड़े परिश्रम से अफीम को लीगल तरीके से उत्पादित करते हैं। हमारी कोशिश है कि इन्हें मूल्य मिले, और इसीलिए पोस्ते दाने की लड़ाई हमने लड़ी और आज पोस्ते दाने के भाव में एक संतुष्टिपूर्वक इजाफा है, और इसीलिए हम अन्य चीज़ों में भी इनकी इच्छाओं के अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ व्यवस्था का प्रश्न उठा था पीने के पानी से लेकर, ये तो इस बार ये प्रश्न पिछली बार भी था, तो अधिकारियों ने यहाँ धर्मशाला बुक कराई थी लेकिन प्रशासन ने अंतिम दिन में वो धर्मशाला निरस्त कर दी। हमें ठीक नहीं लगा कि प्रशासन का वह व्यवहार कि आप पहले से नहीं बोल पाए, और भारत सरकार को अधिकारियों को आपने जो धर्मशालाएं उपलब्ध कराई थी आपने उसे अचानक समाप्त कर दिया। निवासी लिलदा तहसील जिला मंदसौर, प्रथम खंड में हम अफीम किसान हैं और किसान के यहाँ जो अफीम तोल के विषय को लेके कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे क्लास ज़्यादा दे देना, इसी को नज़र रखते हुए हमने निवेदन किया सांसद महोदय जी से कि साहब ये अगर इस प्रकार से हमारा वाटर मिक्स या ऐसा हो जाएगा तो जिसकी वजह से कितने किसानों के अफीम लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे, इसी को आप दृष्टिगत रखते हुए वास्तविकता में अच्छा अफीम है और डिग्री की वजह से उसको ज़्यादा फेंट के लाते हैं जिसकी वजह से उसका गाढ़ापन कम नज़र आता है, उसी को मानते हुए ये वाटर मिक्स कर देते हैं जो गलत है, इसको वापस सुधारा जाए। तो सांसद महोदय ने हमारी सारी चीज़ें को सुना, वापस यहाँ पर आए और आपसे कहा कि आपके 4 या 6 दिन के अंदर रिपोर्ट पूरी आ जाएगी और किसी किसानों के साथ में अहित नहीं होगा। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।